आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में प्रारूपिक बैक्टीरिया कोशिका की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोशी होते हैं, अन्य जीवित पादप कोशिकाओं के समान जीवाणु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले उसमें कैप्सूल को, यह है इसकी कैप्सूल, ये कैप्सूल है। तो कैप्सूल को देखेंगे जनरली अधिकांश बैक्टीरिया जटिल कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल शर्करा अमीनो एसिड द्वारा निर्मित एक मोटी या पतली भित्ति से घिरी रहती है। मोटे आवरण की जो कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं तथा कोशिकाओं को रसायनों से यह बचाता है। बैक्टीरियल वैज्ञानिक का मत है कि मनुष्य एवं जंतु तथा कुछ प्लांट्स में रोग उत्पन्न करने वाले परपोषी के शरीर के भीतर यह कैप्सूल्स पाए जाते हैं, किंतु इनको जो है कृत्रिम परिवर्धन के माध्यम से यह कैप्सूल को नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह हम कैप्सूल के बारे में देखने के बाद हम देखते हैं कि कैप्सूल एक पॉलीमर है जो या तो पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। कभी कभी जो ये कैप्सूल होते हैं ये दोनों सेकेराइड्स पाए जाते हैं। इनमें पॉलीसेकेराइड या तो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं या हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं। बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम का कैप्सूल होमोपॉलीसेकेराइड होता है, जबकि बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरुजिनेशा का कैप्सूल जो है हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। यह चिपचिपे प्रकृति के होते हैं जो कोशिका के अंदर ही स्रावित होता है। इसका सेल वॉल जो होता है बाहरी सतह पर चिपक जाता है। आइए देखते हैं हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि जीवद्रव्य कला कोशिका वाल के नीचे होती है और ये 7.5 nm मोटी होती है। 20-70% इसमें प्रोटीन होता है, 28-80% लिपिड, 1-5% इसमें ओलिगोसैकेराइड्स तथा 20% पानी होता है। यह फास्फोलिपिड की सतह दो परतों की बनी होती है जिसमें प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक या इसको बोलते हैं हम परिधि प्रोटीन तथा दूसरा होता है इंट्रिंसिक या समाकलित प्रोटीन जो आंशिक रूप से मेम्ब्रेन के बाहरी और भीतरी लिपिड की परत से बाहर निकले होते हैं। इस प्रकार यह फ्लूइड मोज़ेक प्रकार की होती है। मेम्ब्रेन के अंतः वलन की मीसोसोम बनाते हैं। ये मुख्यतः ग्रामग्राही जीवाणु में पाए जाते हैं। मीसोसोम अधिकतर नलिकाकार
वैस्कुलर होते हैं। इनमें श्वसन के लिए सभी आवश्यक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम जनरली इनकी तुलना यूकेरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। मीसोसोम्स कोशिका विभाजन के समय क्रॉस भित्ति बनाती है तथा एंडोस्पोर डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम इसके प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को देखेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म देखते हैं जीवाणु कोशिका की कोशिका द्रवीय कला के अंदर रंगहीन प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। कोशिका द्रव्य एक समान सा लगता है, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे गोल आकृति की राइबोसोम से भरी रहती है। इसमें वैक्यूल्स गोल आकृति की और राइबोसोम्स इसकी गोल आकृति की होती हैं। इसमें इनके अलावा इसमें देखते हैं हम वसा, ग्लाइकोजीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज तत्व, न्यूक्लिक अम्ल, जल की बूंदें भी इसमें कुछ बिखरी हुई दिखाई देती हैं। माइटोकांड्रिया सेंट्रोसोम गाल्गी उपकरण का इसमें अभाव होता है। क्रोमैटिन अधिक मिलता है इसमें। शेष भाग में आरएनए अधिक पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस जीवाणुओं में क्रोमेटोफोर भी मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। यह दो सब यूनिट इसमें का बना होता है। आरएनए तीन रूपों में इसमें होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए में मिलते हैं। ग्रामग्राही जीवाणु का पीएच जो है 22.5 से 4 के मध्य, इसी तरह ग्राम अग्राही जीवाणु में पीएच जो है 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। अब इसमें देखेंगे हम न्यूक्लियोटाइड को, तो जीवाणु कोशिका के जो केंद्रक कला का अभाव होता है, अतः जीवाणु का जो न्यूक्लियस एक अस्फुट केंद्रक है जिसमें कि जनरली देखते हैं अधिकांश जीवाणु की कोशिकाओं के केंद्रीय पदार्थ जो है क्रोमैटिन कणिका तथा डीएनए के बने होते हैं और केंद्रक कला द्वारा घिरे हुए ना होकर कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड या क्रोमैटिन का कहा जाता है इसे। एक्टिव रूप से वृद्धि करने वाली जीवाणु कोशिकाओं में 1 से 4 तक इसमें केंद्रक कला पाए जाते हैं। केंद्रकाभ में केवल एक लंबा सिंगल या कभी कभी द्विकुंडली डीएनए पाया जाता है, जो कि अनेकों जीवाणुओं में सर्कुलर होते हैं। कोशिका विभाजन के समय डीएनए दो भागों में विभाजित होकर संतति कोशिका में बराबर बढ़ जाती है। विब्रियो कोलेरी तथा कुछ अन्य जीवाणुओं में सबसे अधिक केंद्रकाभ पाए जाते हैं। ई कोलाई का केंद्रकाभ वलय रूप में होता है। प्राकृतिक के समय यह कुंडलित होकर दुक सूत्री रिंग के रूप में दिखाई देता है। सुपर कुंडलन के पश्चात इसमें
छोटे से जीवाणु भी पैक हो जाती हैं। जीवाणु में केंद्रकाभ के अतिरिक्त कुछ डीएनए वृंत पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से गुणन करते हैं। प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं। जो प्लाज्मिड केंद्रकाभ डीएनए से जुड़ सकते हैं उन्हें एपिसोम कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम विधि द्वारा जीवाणुओं का अभिरंजन। ग्राम अभिरंजन का प्रयोग सर्वप्रथम डेनिस जीवाणु वैज्ञानिक ग्राम ने ग्राम ग्राही तथा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बताया। ग्राम नामक साइंटिस्ट ने 1894 में क्रिस्टल वायलेट एवं आयोडीन के घोल में जीवाणुओं का अभिरंजन किया। इसमें देखा कि जो जीवाणु पर्पल हो जाते हैं। फिर उन्होंने उन्हें एसीटोन अथवा एल्कोहल में धोकर साफ किया और फिर साफ जल में धोकर साफ किया। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थे में बैंगनी रंग प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रंगहीन हो जाता है। यदि उनके पश्चात साइफ्रिन अथवा कार्बोल फुक्सिन अभिरंजन देते हैं तो देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रहते हैं तथा ग्राम नेगेटिव जो है गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं, जो कि पिक्चर में हमको दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव की मोटाई हम देखेंगे जनरली, तो इनकी कोशिका वाल जो है मोटी होती है ग्राम नेगेटिव की अपेक्षा। कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा इसमें ग्राम पॉजिटिव नहीं होता है और ग्राम नेगेटिव में अधिक मात्रा में होती है। अमीनो अम्ल को देखेंगे तो अमीनो अम्ल इसमें प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, और इसमें देखेंगे हम इसमें अम्ल नहीं पाया जाता है, अमीनो अम्ल एब्सेंट होता है। इसमें देखेंगे हम जो प्रतिजैविक का क्या इफेक्ट होता है, तो इन पर ग्राम पॉजिटिव में कम प्रभाव पड़ता है प्रतिजैविकों का, ग्राम नेगेटिव में अधिक प्रभाव, अधिक प्रतिरोधी होते हैं ये। लाइसोजाइम के प्रति इनका प्रभाव क्या होता है, तो ये अधिक प्रतिरोधी होते हैं ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम नेगेटिव जो है कम प्रतिरोधी होते हैं। इनकी जो सेल वाल की बॉडी में उपस्थित जो रिंग होती हैं वो दो घेरों के बने होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में हम जनरली देखेंगे तो उसमें चार रिंग पाए जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है सेल वाल जो है मोटी और ड्राई, कोशिका में पूर्ण भार जो है 20-40% होता है ड्राई होता है, और इसमें देखते हैं कि 20-80% पेप्टिडोग्लाइकन तथा बहुत कम मात्रा में इसमें प्रोटीन एवं पॉलीसेक्राइड होते हैं।
इनकी जो बाहरी वाल होती है वो टिकोइक एसिड, जो बाहरी वाल होता है वो टिकोइक एसिड का बना होता है या प्रेजेंट होता है उसमें। ये जीवाणु जो है पेनिसिलिन को नष्ट कर देती हैं ग्राम पॉजिटिव में। अब इसी तरह हम ग्राम नेगेटिव में देखेंगे तो जिनकी इनकी कोशिका भित्ति जो है उनसे पतली और दृढ़ होती है और इसका शुष्क भार जो है कोशिका के कंप्लीट पूर्ण भार से 10-20% ही होता है। इसमें जो है 3% फास्फोलिपिड, इसमें जो है 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन और 50% लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ये जीवाणु जो है पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते हैं, ग्राम आग्राही एवं डंडे की आकृति वाले जीवाणु रोगजनक होते हैं। इसमें इसकी संरचना इसमें दिखाई दे रही है स्पष्ट हमको। ये पिक्चर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, अब ये जनरली रॉड शेप में दिखाई दे रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों में ही है, पल्सेस है, लिपोपॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होता है। कैप्सूल आउटर मेम्ब्रेन टाइकोइक एसिड और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रॉड शेप में संरचना दिखाई दे रही है इसमें हेयर लाइक संरचना उपस्थित होती है जो उसमें फ्लैजिला का काम करती है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हम देखेंगे तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफ्स सेकेंड इसमें देखेंगे हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी में पुनः हम देखेंगे स्वपोषी को फोटो ऑटोट्रॉफिक और इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा। सेकेंड इसमें होगा कीमो ऑटोट्रॉफिक, मतलब रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी, ये है दो प्रकार से इसमें देखेंगे हम इसके अंतर्गत। अब हम फिर से देखेंगे जो प्रकाश स्वपोषी है इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है, इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दो भागों में हम देखेंगे इसको ये। उसके बाद देखेंगे इसमें जो कीमो ऑटोट्रॉफिक को, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक को दो भागों में बांटा गया है, कीमो लिथोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ये दो भागों में बांटा गया है इसको। अब हम देखेंगे कीमो जो लिथोट्रॉप्स है उसको फिर से थ्री भागों में डिवाइड किया गया है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इस तरह इसको बांटा गया है। अब हम देखते हैं जो आयरन बैक्टीरिया है उसको फिर से हम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, फिर देखते हैं हम जो
कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स को मीथेन जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। मीथेन जीवाणु, इस तरह से हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन को डिटेल देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हम शॉप हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स को। परपोषी जीवाणु, ये जीवाणु पर्णहरिम के अभाव में अपने पूट का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम इसमें पैरासाइटिक मतलब परजीवी, ये जीवाणु भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में बाहर एवं भीतर वास करते हैं। जैसे कि जीवाणु अविकल्पी और विकल्पी परजीवी होते हैं। परजीवी जीवाणु में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें हम नॉन पैथोजेनिक कहते हैं, अरोगजनक कहते हैं, तथा जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें हम पैथोजेनिक या रोगजनक बैक्टीरिया कहते हैं। ये मनुष्यों में जैसे कि टाइफाइड, टिटनस, तपेदिक, निमोनिया आदि रोग फैलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लास्ट्रिडियम आदि हैं। सेकेंड हम देखेंगे इसमें सेप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, ये मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन लेती हैं। ये जनरली जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, चमड़ा हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, अचार, रोटी, फल, मुरब्बे, गोबर एक्स्ट्रा इत्यादि। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया की श्रेणी आते हैं। सेप्रोफिटिक या हम इसको बोलेंगे मृतोपजीवी या मृत पादपजीवी जीवाणुओं में हम उनकी उपयोग या उनसे हम लाभ ले सकते हैं फ्रेगमेंटेशन में किण्वन के द्वारा, या कार्बोहाइड्रेट्स का जो विखंडन होता है इसी के द्वारा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है मुक्त होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दूध से दही का बनना तथा दूध का फटना फ्रेगमेंटेशन क्रिया का एग्जांपल है। दूसरा हम देखेंगे अपक्षय या फिर सड़न, जिसके द्वारा जीवाणु जो है सड़े गले पदार्थों में से प्रोटीन तत्वों का विखंडन कर उनको छोटे भागों में तोड़कर उनसे फूड मटेरियल को लेते हैं। अब देखेंगे हम फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो किण्वन की क्रिया क्या है। जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट द्वारा शर्करा का फ्रेगमेंटेशन एक सामान्य क्रिया से होता है। इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं इसी को कहते हैं हम। इसी प्रकार दूध के फटने के कारण जो लैक्टिक एसिड का किण्वन है, अब देखते हैं जो लैक्टोबैसिलस ग्लूकोस जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा स्रावित लैक्टेज एंजाइम दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, और जो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण
इस कारण जो है दूध जो है फट जाता है। दूध से दही बनने में भी यह प्रोसेस होता है। इसके बाद देखेंगे हम पुयन। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जिनमें प्रोटीन का विघटन करते हैं, इस क्रिया को हम पुयन कहते हैं। पुयन या पार्टिफिकेशन की जो फर्स्ट स्टेज में जो प्रोटीन का अपचयन पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में होता है। इनमें जो अनेक मित्रोपजीवी जीवाणु अमीनो अम्लों का विघटन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया हाइड्रोजन नाइट्रोजन आदि में करते हैं। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस प्रोसेस को करने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप में सहजीवी सिम्बायोटिक जीवाणु। दूसरे पौधे व जंतुओं के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया से रहने वाले बैक्टीरिया सिम्बायोटिक्स कहलाते हैं। इस प्रकार से रहने वाले दोनों जीवों को हम जो साथ में हैं वो सिम्बायोटिक्स कहलाते हैं। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधे की जड़ों में रहती हैं। जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण फिक्सेशन करते हैं जो पौधों में काम आते हैं, और बदले में जो प्लांट्स होते हैं जीवाणुओं को कार्बोहाइड्रेट देते हैं तथा जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं। सहजीवी का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, इसमें जो सहजीवी दो जीवाणुओं के द्वारा परस्पर मिलकर पूरी होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डेंटल टिश्यू की जो ट्रेंच माउथ बीमारी दो भिन्न जीवाणुओं द्वारा होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब स्वपोषी बैक्टीरिया क्या है। तो जीवाणुओं का एक छोटा समुदाय स्वपोषी भी होता है। ये बैक्टीरिया रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एनर्जी के आधार पर स्वपोषी जीवाणु को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला देखेंगे हम इसमें रसायन स्वपोषी। ये जीवाणु विभिन्न अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों जैसे कि अमोनिया नाइट्राइड्स फेरस आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड से ऊर्जा प्राप्त कर भोज्य पदार्थ का सिंथेसिस करते हैं। जीवाणु रासायनिक ऊर्जा द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि वाटर से भोजन निर्माण करते हैं। भोजन निर्माण की इस रासायनिक क्रिया को हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। इनको वर्णकों के द्वारा तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला देखेंगे हम इसमें आयरन बैक्टीरिया। ये फास्फोरस यौगिक का ऑक्सीकरण कर उन्हें फेरस यौगिक के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और विमुक्त ऊर्जा का उपयोग आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का सिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम फेरोबैसिलम। फिर देखेंगे नेक्स्ट हम सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो गंधक युक्त जल में रहते हैं तथा गंधक के यौगिक जैसे कि सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया से जो सल्फर जल की क्रिया करके जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल में देखेंगे हम थायोबैसिलस। हाइड्रोजन बैक्टीरिया में देखेंगे, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में पाए जाने वाले आणविक हाइड्रोजन को पानी में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बैसिलस पेंटोट्रोप्स। इसी प्रकार हम देखेंगे नाइट्रीकरण बैक्टीरिया, ये जीवाणु मुक्त रूप से भूमि में उपस्थित रहते हैं और अमीनो नाइट्रेट नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ये भूमि में मुख्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स को रसायन कार्बनिक पोषक को, तो मीथेन जीवाणु, इस प्रकार के जीवाणु मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे मीथेन कोकस। इस तरह हम देखेंगे, अब हम आ जाएंगे सेकेंड प्रकाश पोषी या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसमें हम देखेंगे कि जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरियोक्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोविरिडिन नामक जो पिगमेंट जो होते हैं जो क्लोरोफिल से मिलते जुलते हैं, जिनकी सहायता से ये जीवाणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फिर दूसरा हम देखेंगे इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इस प्रकार हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, इसमें जो न्यूट्रिशन में कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्य करते हैं। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये जीवाणु एल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल आदि का प्रयोग करते हैं। रोडोस्पाइरिलम इसके एग्जांपल हैं। इस प्रकार हम बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। थैंक्स।